हेलो क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल शो दैट इट इज स्क्वायर देन। तो ये क्वेश्चन 4th का आप ये कह सकते हो कि कन्वर्स आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है आपको कि यदि क्वाड्रिलेटरल कोई भी है उसके डायगोनल इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा। तो मैंने ये एक बना लिया स्क्वायर, ओके, ये इसके इक्वल डायगोनल्स बना दिए, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, ओके। तो आप ये चीज़ पहले गिवन में लिख लीजिएगा, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या क्या आपको गिवन है। एक तो दिया है कि भाई डायगोनल क्या हैं, इक्वल, ए सी बी डी के इक्वल है और ये बाइसेक्ट भी करते हैं तो ए ओ ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी ओ डी के इक्वल होगा, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी। ठीक है, और क्या दिया है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी और ए ओ डी ईच आर 90। ये आपका गिवन हो गया सारा जो दिया गया है। आपको शो करना है या प्रूफ करना है, टू शो या टू प्रूफ कुछ भी लिख लीजिए कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो अब देखिए, हमें स्क्वायर शो करने के लिए सबसे पहले इस स्क्वायर को मैं एक पैरेललोग्राम शो कर देती हूँ। ठीक है, सॉरी, इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम शो कर देते हैं। उसके बाद हम स्क्वायर शो करने के लिए इसकी सारी साइड्स क्या शो करेंगे, इक्वल, ओके। तो अब देखिएगा कि आपको ये मालूम है कि डायगोनल्स जो हैं आपको दिया गया है कि दीज आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90। तो इससे अंडरस्टूड हो जाता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। तो आप सीधे लिखना कि ए सी एंड बी डी डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक ईच अदर एट राइट एंगल, ओके, देयरफॉर इट इज therefore ए बी सी डी इज अ parallelogram बी डी ऑफ quadrilateral ए बी सी डी। ये मैंने लिख दिया है कि ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं quadrilateral ए बी सी डी के, इक्वल हैं और बाइसेक करते हैं 90 पे, तो ये क्या होगा, एक parallelogram होगा। और यदि ये parallelogram है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी इनकी, इक्वल होंगी, ओके। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स तो हमें इक्वल मिल गई क्योंकि हमने ये पैरेललोग्राम शो कर दिया, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए, ओके। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू डी ए, क्योंकि एक पैरेललोग्राम ने शो कर दिया। अब लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड इक्वल। ठीक है, अपोजिट तो कर ली हमने, एडजेसेंट साइड जब भी इक्वल शो करनी हो तो दो कंसेक्यूटिव ट्राइंगल जो दिए गए हैं वो हम लेंगे। ठीक है, तो ये लेती हूँ मैं, नाउ इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ सी, तो इन दोनों में मैं कॉन्ग्रेंसी शो करती हूँ जिससे बाय सी पी सी टी दो कंसेक्यूटिव साइड्स भी क्या मिल जाएंगी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ठीक है, साइड्स होगा तो कंसेक्यूटिव बोला करो, सॉरी एडजेसेंट बोला करो, साइड एडजेसेंट होती हैं जो लगी हुई हो,
जो ट्राइंगल लगे हुए हैं वो होते हैं कंजिक्यूटिव ट्राइंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या क्या इक्वल है। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें गिवन है, देखिए। ओके अच्छा, ओ बी साइड कॉमन है, ये कॉमन साइड है, और ए ओ इज इक्वल टू ओ सी ये गिवन हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड हो गई। ओके और ये दोनों 90 के, ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी ईच 90, इट इज ऑल्सो गिवन। इससे क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल बी ओ सी और ए ओ बी बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऐसे एस, ठीक है। यदि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, स्टेप बाय सी पी सी टी, चलो ब्रैकेट में लिख देना, ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई सिमिलरली। अब क्या है, जैसे सिमिलरली का मतलब ये है कि दो, जैसे दो ट्राइंगल हमने ये लिए थे, इन दोनों में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दी, तो ए बी बराबर बी सी हो गया। अब ये दोनों लेते यदि हम, कोई भी ले सकते थे, ये दोनों कंसेक्यूटिव लेते तो बी सी बराबर सी डी हो जाता, ठीक है, बाय वही एस ए एस। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ट्राइंगल लेकर कर देंगे हम ऐसा कि भाई दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया था। तो ये साइड इक्वल हो गई, तो सिमिलरली बी सी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू ए डी एंड ए डी इक्वल टू ए बी, क्योंकि चार पॉसिबिलिटी हैं दो कंसेक्यूटिव ट्राइंगल लेने की। तो इस प्रकार चारों साइड क्या हो गई, इक्वल। ओके तो ऑल साइड्स आर इक्वल, यदि ऑल साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल क्या, वो सॉरी जो ये पैरेललोग्राम है वो क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और रहती है, वो ये रहती है कि इसमें हम जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री शो कर दें, यानी कि एंगल ए और एंगल बी दो इस क्वाड्रिलेटरल के, जो कि एक पैरेललोग्राम भी शो हो चुका है, इसकी चारों साइड इक्वल शो हो चुकी है, ठीक है, चारों साइड इक्वल शो हो चुकी है, ठीक। अब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो साइड्स तो हमने इक्वल शो कर दी, ठीक है, एंगल्स देखिए अब शो करेंगे हम, ठीक। तो एंगल शो करने के लिए क्या कीजिए आप, ये जो दो एडजेसेंट सॉरी कंसेक्यूटिव ट्राइंगल है, कॉमन बेस के ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, और बी ए सी, ये ए बी कॉमन बेस के दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, उनमें कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल डी ए बी एंड सी बी ए, ओके तो ये हम करते हैं यहाँ तक, देखिए हो गया है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब देखिए आगे, तो इसमें क्या क्या इक्वल है, डी ए बी और बी सी में ये दोनों साइड इक्वल, ये कॉमन, और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो बाय ट्रिपल एस हो गया, डी ए इक्वल टू बी सी बिकॉज ये प्रूव्ड अबव, या लिख दो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, प्रूव्ड अबव, मैंने दोनों चीज़ लिख दी है। और ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन साइड, ठीक है, और ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी डायगोनल इक्वल है, ये हमें गिवन है। ओके तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल
CBA by SSS congruency, ठीक है, तो by triple S triangle congruent हो गए, ठीक है। यदि ये triangle congruent हैं तो by CPCT क्या कह सकते हैं कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल A और B, दोनों क्या हो गए इक्वल। इस ट्राइंगल का एंगल A, इस ट्राइंगल का एंगल B, दोनों इक्वल हैं, बट बाय को इंटीरियर एंगल या सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव एंगल, एडजसेंट एंगल, कुछ भी बोल दीजिए, बाय को इंटीरियर एंगल वी कैन से दैट। को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये दोनों पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल है, तो दोनों अंदर के साइड के एंगल का सम क्या होगा 180। एंगल DAB प्लस एंगल CBA, ओके, दोनों एंगल का सम 180, बट दीज आर इक्वल एंगल, तो ट्वाइस एंगल DAB 180, ठीक है, यूजिंग वन, हमें पता है दोनों एंगल बराबर हैं, तो CBA की जगह भी DBA लिख सकते हैं, तो ट्वाइस हो गया DAB, सॉरी, तो एंगल DAB आ गया 90। यदि एंगल DAB 90 है तो B भी 90 है, तो इस तरीके से सारे एंगल क्या हो गए 90 के, तो DAB और CBA दोनों क्या हो गए 90। सिमिलरली जो बचे हुए C और D एंगल है, और भी तो 90 हो गए, C और D भी क्या हो गए 90, तो सिमिलरली करके हम लिख देंगे कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CDA, इट इज आल्सो 90, ओके। सो इस प्रकार क्या हो गया, चारों एंगल बराबर शो हो गए, DAB, CBA, BCD और CDA, यानी कि ABCD, मैंने कंप्लीट नाम लिखा हुआ है। तो अब इसमें हमें दो 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 चीज़ों की आवश्यकता थी स्क्वायर शो करने के लिए। पहले तो ये थी कि भाई ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो शो हो गया। दूसरी क्या नीड थी कि ऑल एंगल्स आर 90, ये स्क्वायर की मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो बस हो गया, अब ये क्या शो हो गया हमारे पास कि ये स्क्वायर है। तो बस अब लिख दो, हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। जो भी चीज़ आपको शो करनी है उसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं वो शो कर दोगे। जैसे स्क्वायर के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर 90, तो वो हमने शो कर दिए, तो हो गया वो क्वाड्रिलेटरल, और ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि डायगोनल पैरेललोग्राम के जो है एसी, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। देखिएगा आपकी में डायग्राम गिवन है बुक में, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल एसी बाइसेक्ट द एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है डायगोनल, ठीक है, और शो करना है कि इट बाइसेक्ट आल्सो एंगल सी, और ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ओके। तो आप गिवन में पहले लिखिएगा कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम गिवन है तो नेचुरल है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो लिख लो। जो जो पैरेललोग्राम में होता है वो सब लिख लो, क्यों, क्योंकि हमें उसका यूज़ करना पड़ता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और आपको ये भी पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, तो वो भी मैंने लिख ली है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ हमें इसमें गिवन है कि ए सी बाइसेक्ट द एंगल ए, तो इट मींस ये जो दो एंगल हैं, ये
ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इनका नाम मैं वन और टू डाल देती हूँ, हालांकि अभी तक मैं नंबरिंग से नहीं कर रही थी, पूरा पूरा नाम लिख रही थी, अभी मैं वन और टू डाल देती हूँ, ठीक है। एंगल और वन टू ये भी हमें गिवन है, ओके। ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, दैट इज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अब ये तो हो गई गिवन की बात, अब बात आती है टू प्रूव, यानी क्या शो करना है कि ये डायगोनल है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, तो यानी कि इनका नाम मैंने रख दिया तीन और चार, ये बराबर शो करने हैं कि थ्री इज इक्वल टू फोर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये शो करनी है, दूसरी ये शो करनी है कि ए बी सी डी इज़ अ रोमबस, इज़ अ रोमबस। तो एक पैरेललोग्राम को रोमबस शो करने के लिए सारी साइड्स इक्वल लानी पड़ेंगी और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, दो चीज़ दिखानी पड़ेंगी रोमबस की शो करने के लिए। तो पहले खैर हमें ये दिखाना है तीन और चार, तो देखिएगा इसका प्रूफ। फर्स्ट पार्ट के लिए ए बी सी और ए सी डी में मैं कॉन्ग्रेंसी शो कर रही हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए सी डी, ठीक है। तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं बिकॉज पैरेललोग्राम है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन में मैं ये चीज़ लिख चुकी हूँ, गिवन बी सी इक्वल टू ए डी, इट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है। और ए सी ए सी कॉमन, ठीक। तो इससे क्या हो गया, तीनों साइड में कर देती हूँ, तीनों साइड्स के से क्या हो गए, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के, विच प्रॉपर्टी बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी, ठीक। तो ये दोनों ट्राइंगल भाई कॉन्ग्रेंट शो हो गए हैं, तो बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं कि थ्री इज इक्वल टू फोर, क्योंकि वन इज इक्वल टू टू तो हमें दिया ही है, सो थ्री इज इक्वल टू फोर बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा ये हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है कि ए बी सी डी ए रोमबस है, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा आगे करते हैं, तो सेकंड पार्ट तो डायग्राम तो हमारे पास यही था कि ये पैरेललोग्राम, मैं दोबारा बना रही हूँ डायग्राम सेकंड पार्ट के लिए, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, ये एंगल हमने वन टू नाम दिया था, ये थ्री फोर, अब ये दोनों भी हमने बराबर शो कर दिए हैं। तो अब रोम्बस शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एडजेसेंट साइड्स इक्वल शो करनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि हमें ये मालूम है कि ये आपस में तो एंगल बराबर है, वन टू थ्री फोर, अब देखिए टू और फोर और वन और थ्री भी आपस में इक्वल है बाय अल्टरनेट एंगल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, सिंस ए बी पैरेलल सी डी बिकॉज पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, डायगोनल एज ए ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो डायगोनल ट्रांसवर्सल हो गया, तो आप क्या कह सकते हो कि एंगल टू इज इक्वल टू फोर एंड एंगल वन इज इक्वल टू थ्री, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ लिख रही हूँ मैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यदि लाइन पैरेलल है, आमने सामने वाली लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो नेचुरल अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। ये मैंने देखो बीच में लिख दिया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो टू इज इक्वल टू फोर, वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। ये चाहे तो आप ब्रैकेट में भी साइड में लिख सकते हो, बट वन इज इक्वल टू टू एंड थ्री इज इक्वल टू फोर,
बट वी हैव, हमारे पास ये भी है कि 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, सो 1 2 के बराबर 2 4 के बराबर, 4 3 के बराबर, तो इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये चारों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन मुझे तो केवल किससे मतलब है, 2 और 3 से। देखो 1 2 के बराबर है, ओके, और 2 4 के बराबर है, 4 किसके बराबर है, 3 के, तो आप क्या कह सकते हो कि 2 और 3 इक्वल है, तो हमें केवल 2 3 ही चाहिए, ठीक है। 2 3 इक्वल है, मतलब सारे इक्वल हैं, तो मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रही हूँ कि यदि ये दो एंगल बराबर हैं, तो इस ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, बराबर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आपको पता है ये प्रॉपर्टी कि एक ट्राइंगल में यदि दो एंगल बराबर हों आमने सामने, ठीक है, तो उनके आमने सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। तो सिमिलरली यदि मैं 1 इज इक्वल टू 4 करती तो ये भी बराबर होते, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड बराबर हैं और अपोजिट साइड्स भी बराबर हैं, तो आप क्या कह सकते हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं ये डायगोनल ड्रॉ करती तो बी सी बराबर डी सी भी आ जाता एंड सी डी बराबर ए डी एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और वी हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो वी हैव प्रूव्ड, क्या मतलब, गिवन ही है, वी हैव, लिख लो केवल, वी हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, पैरेललोग्राम है ना। सो आप क्या कह सकते हो उससे, देयरफॉर ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमने चारों साइड इक्वल शो कर दी, ठीक है। अब देखिए क्या बचता है हमारे पास, चारों साइड इक्वल शो हो गई, अब बचता ये काम है कि जो ये डायगोनल हैं ये ए सी और बी डी, इनको मैं यदि ये दिखा दूं कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तो आपको ये तो पता ही है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो वो तो आप लिख दीजिए कि सिंस लिख दो, या वी नो दैट डायगोनल्स of a parallelogram bisects each other, ठीक है, bisect करते हैं, therefore AO is equal to OC and BO is equal to OD, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है प्रॉपर्टी, ये दूसरा डायगोनल भी बना लेना। अब बस क्या शो करना है, ये जो O एंगल है ना, ये दोनों, इनको आपको 90 लाना है। तो ये काम आप पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हो, दो कंसेक्यूटिव ये ट्राइंगल ले लेते हैं और इसमें हो जाएगा हमारा काम। तो नाउ इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ सी, ठीक है, इसमें 90 दिखाना है। तो वैसे तो खैर करेक्ट भी कर सकते हो, चलो कोई नहीं, आप लोग कॉन्ग्रेंसी शो कर दीजिए, साइड 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 कर दो, ए बी बराबर बी सी, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी ओ बी कॉमन, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी प्रूव्ड अबव, ओ बी ओ बी कॉमन, कॉमन साइड, ठीक है, और ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये लिखा है, ए ओ इज इक्वल टू
ओसी, ठीक है, ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम यूजिंग वन, या ये लिख दो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ ए इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट शो हो गए बाय एस एस एस। ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी एंगल क्या हो गए, इक्वल, ठीक है, एंगल इक्वल है। बट इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 180, ठीक है, बाय लीनियर पे। ओके, तो दोनों ट्राइंगल थे जो हमारे पास, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल, इनमें ये इसके बराबर, ये कॉमन, ये इसके बराबर। तो वही चीज़ मैंने देखो इधर लिखी हुई है, साइड इक्वल कॉमन साइड, और ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट हो गए, बाय सी पी सी टी एंगल ओ बराबर हो गए, दोनों का सम लेकिन 180 है, तो बराबर भी हैं, तो यानी कि बराबर बराबर बट गए, तो यानी कितने बटे, 90 90, ठीक है, दोनों 90, दैट इज एंगल ए ओ बी बी ओ सी दोनों क्या हो गए, 90। ओके, यदि ये 90 हैं ए ओ बी और बी ओ सी, तो बाकी के ये जो एंगल्स हैं, ये दो ए ओ बी और बी ओ सी, ये 90 हैं, तो बाय वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है, तो ऑल एंगल्स आर 90। तो बस हो गया आपका कि भाई एंगल्स भी प्रूफ हो गए और साइड भी, ठीक है। सो एंगल ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी और डी ओ ए ऑल एंगल्स आर 90, तो एंगल भी 90 हो गए, साइड्स भी हो गई, तो हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको रोम्बस गिवन है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो ये मैंने एक बना लिया रोम्बस ए बी सी डी। हमें शो करना है कि जो ए सी डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को एज वेल एज एंगल सी, यानी इसको बाइसेक्ट करता है तो इसको भी करता है, दोनों बताना है, ठीक है। तो ठीक है, बड़ा सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो गिवन में लिखिएगा कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, और रोम्बस में क्या क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, और डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे देख लेंगे। अच्छा, और क्या शो करना है, टू प्रूव ये बाइसेक्ट 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर लाना है, 1 2 एंड 3 4, ठीक है, ये दोनों बराबर शो करने हैं। प्रूफ देखिएगा, दोनों ट्राइंगल ले लो ये दोनों, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी शो हो रही है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी में, कैसे, ए बी सी डी के बराबर है, गिवन है, ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, और बी सी ए डी के बराबर इक्वल है, ये भी गिवन है, और ए सी ए सी तो क्या हो गई, कॉमन साइड। ओके, तो इस तरीके से बाय ट्रिपल एस ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी। ट्राइंगल यदि ये कॉन्ग्रेंट हैं तो 2 4 के बराबर है, 1 3 के बराबर है,
ठीक है, तो बाय सीपीसीटी, लेकिन 1 = 2 भी हो सकते हैं क्योंकि भाई साइड्स तो सारी इक्वल है ना, तो 2, 3 के बराबर भी है, तो आप कैसे भी खैर ये काम कर सकते थे, 1 = 2 एंड 3 = 4 कह सकते हो आप किसके थ्रू, बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब कई बार ये भी आता है कि भाई ये रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, और हमें ये दोनों बराबर लाने थे, ये बाय सीपीसीटी हो गए। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि ये दोनों साइड बराबर है ना, तो 2 और 3 बराबर हो गए, तो ये चारों ही एंगल बराबर हैं, तो अब मेरे को किसकी भी किसी की बराबर शो करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो हमें अल्टरनेट एंगल की ऐसी कोई खास नीड है नहीं, अल्टरनेट एंगल भी बराबर हैं और ये भी है। ठीक, तो मैंने बाय सीपीसीटी कर दिया है ये क्वेश्चन, और इसका यदि आप दूसरा ऑप्शन करना चाहो तो मैं एक सेकंड मेथड और करवा देती हूँ, वो ये है सेकंड मेथड, अदरवाइज ये समझ आ गया तो ये सेकंड मेथड भी देख लीजिए, कि हमें ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो आप यहाँ लिख दोगे भाई अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो सिमिलरली 1 4 के बराबर है, सिमिलरली 1 = 4, ठीक, यदि मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी तो 1 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो और बाय अल्टरनेट एंगल्स आप क्या कह सकते हो, अल्टरनेट एंगल से कि वही 2 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, बिकॉज भाई पैरेलल साइड्स हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है और बी सी ए डी के पैरेलल है, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल तो इक्वल होंगे ना, तो देखो 2 3 के बराबर, 1 4 के बराबर, 2 4 के बराबर, 1 3 के बराबर, ठीक, 2 4 4 1 यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यूजिंग दिस एंड दिस, ये मैंने 1 2 डाल दिया है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इधर देखो 1 4 के बराबर है, ठीक, 4 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, यानी कि चारों एंगल बराबर हो गए ना। ठीक है, और लेकिन हमें तो केवल क्या चाहिए था, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, ठीक, तो इस प्रकार हो गया, तो हैंस 1 = 2 एंड 3 = 4। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हो, इस वाले मेथड में मैंने कॉन्ग्रेंसी का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, और ऊपर वाले में कॉन्ग्रेंसी का यूज़ किया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है क्वेश्चन 7 करने के, तो आप कोई सा भी कर लीजिएगा। ठीक है, 8th में आपको दिया है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल ए सी ए और सी को बाइसेक्ट करता है, तो शो करना है कि वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी शो करना है कि यदि ए सी डायगोनल ए सी को बाइसेक्ट करता है तो बी डी डायगोनल भी बी और डी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th, 8th में एक रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखाना है, तो मैं एक स्क्वायर ही बना रही हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, तो गिवन लिख लीजिएगा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो लिख लिया। ठीक है, और
क्या इक्वल होता है, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BD। तो जो जो गिवन होता है रेक्टेंगल में जो प्रॉपर्टी होती है वो मैंने गिवन में लिख दी है, सबका हम यूज करेंगे। और टू प्रूफ क्या करना है, पहला काम कि ABCD इज अ स्क्वायर, पहला काम ये करना है। दूसरा है कि BD bisects एंगल B एज वेल एज एंगल डी, ओके। और ये जो है डायगोनल ए सी, ए और सी को बाइसेक्ट करता है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 1 2 के बराबर गिवन है, 3 4 के बराबर, ये मैं गिवन में लिख रही हूँ, 1 2 के बराबर गिवन है और 3 4 के बराबर गिवन है, ठीक है। तो हमें जो बी डी बाइसेक्ट है यानी कि ये एंगल भी बराबर दिखाने हैं, ठीक है, ये इसके बराबर, इनका नाम मैंने रख दिया 5 6 7 8, ठीक है, ये हम सेकंड पार्ट में। तो प्रूफ पहले फर्स्ट पार्ट कर अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम। देखो ये दोनों भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सिंस ए बी सी डी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इक्वल सी डी, ठीक है। यदि साइड पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल 2 4 के इक्वल एंड 1 3 के इक्वल, ठीक, अल्टरनेट एंगल्स क्योंकि लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब हमें ये भी दिया है बट वी हैव 1 = 2 एंड 3 = 4, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो 1 2 के बराबर है, 2 4 के बराबर है और 4 3 के बराबर है, जैसे हमने 7th में भी किया था ये काम। तो यानी ये सारों चारों एंगल बराबर हैं, ठीक है, दैट इज एंगल 2 3 के इक्वल है। तो यदि 2 3 के इक्वल है तो यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ठीक। तो ये ए बी और बी सी ये दोनों बराबर हैं और अपोजिट साइड भी बराबर हैं, इट मीन्स ये चारों साइड क्या हो गई, इक्वल, ठीक है। तो सिंस एडजसेंट साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी, सिमिलरली बी सी सी डी, सी डी डी है, ठीक है, चारों ही बराबर है, तो मैं सब एक साथ लिख रही हूँ, साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी ए डी, चारों साइड इक्वल हो गई। तो 90 तो होता ही है रेक्टेंगल में, वो आपको गिवन ही है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या कह सकते हो कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके। तो अब देखो ए बी सी डी भी स्क्वायर शो हो गया हमारा क्योंकि हमने ऑल साइड्स और एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी अब 5 और 6 के बराबर दिखाना है, 7 और 8 के बराबर, तो इसमें भी यही वाला कंसेप्ट लगा दीजिए
ये पैरेलल वाला, ठीक है। कैसे कि देखो हमें ये पता है कि ए डी पैरेलल है बी सी के, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेलल है। तो बाय अल्टरनेट एंगल क्या कह सकते हो, अल्टरनेट एंगल्स, देखो बाय अल्टरनेट एंगल ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल, तो 7 6 के बराबर, 5 8 के बराबर, ठीक है। तो देखिएगा एंगल 5, डायग्राम में देखना, एंगल 5 8 के इक्वल एंड एंगल 7 6 के। तो ये देखो कि ये दोनों पैरेलल हैं और बी डी ट्रांसवर्सल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, इसको डाल लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है कि अभी आपने शो किया कि जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। यदि ये साइड्स इक्वल हैं तो देखो जैसे बी सी सी डी के इक्वल है, तो 5 और 7 आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसी तरीके से 6 और 8 भी होंगे इक्वल, तो वो चीज़ अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो वो चीज़ मैं लिख रही हूँ, सिंस बी सी इक्वल टू सी डी, ओके, डायग्राम ये रहा सामने, तो बी सी सी डी के बराबर है, तो 5 एंगल 7 के हो गया। तो आप लिख दोगे कि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू 8, तो एक नंबर दो इसको डाल दो, ठीक है। नंबर एक में क्या था कि अल्टरनेट एंगल इक्वल थे, और नंबर दो में क्या है कि भाई आमने सामने वाले एंगल इक्वल हैं। तो 1 और 2 को मैं कंपेयर करूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करते हैं तो 5 किसके बराबर आ रहा है, 6 के। क्यों, क्योंकि आपने अभी क्या प्रूफ किया है कि 5 8 के बराबर है, 7 6 के बराबर है, ठीक है। तो 5, चलो ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, देखो 5 8 के बराबर है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, देखो इधर 5 8 के बराबर है, 8 6 के बराबर है, ठीक, और 6 किसके बराबर है, 7 के, यानी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स जब इक्वल हैं तो हमें तो केवल क्या चाहिए कि 5 6 के बराबर हो, 7 8 के बराबर हो, ठीक है। सो वी कैन से इजीली, वी कैन से एंगल 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8, जबकि चाहिए तो 5 6 और 7 8 बराबर थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे एंगल इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, तो ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी आप ये 8 क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। टेक केयर, बाय।